पत्ता गोभी से फैलता है कोरोना वायरस। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है ये खबर। क्या कोरोना वायरस पत्ता गोभी पर सबसे ज्यादा समय तक टिकता है? आखिर पत्ता गोभी को खरीदने में क्यों डर रहे हैं लोग? जी हाँ, किसी ने कहा शराब पीने से कोरोना वायरस असर नहीं करता, किसी ने कहा रात दिन गरारे कीजिए कोरोना भाग जाएगा। चक्रपाणि महाराज जैसे लोग कोरोना वायरस को दूध और खीर खिला रहे हैं, कोई कोरोना वायरस को भगाने के लिए भजन गा रहा है, कोई कोरोना को भगाने के लिए हवन और यज्ञ कर रहा है, तो कोई कोरोना से बचने के लिए कविताएं सुना रहा है। कोरोना वायरस इस वक्त जितने प्रकोप को लेकर सुर्खियों में है, उतना ही कोरोना वायरस को लेकर अफवाहें और मिथ्याएं भी खबरों में हैं। आजकल लोग जब सब्जियां खरीदने बाजारों में जाते हैं तो पत्ता गोभी को ऐसे देखते हैं जैसे वो सब्जी नहीं बल्कि कोई भूत हो। और अगर देखें तो आजकल सोशल मीडिया पर पत्ता गोभी खूब कट भी रही है, खूब पक भी रही है। आजकल सोशल मीडिया पर लोगों के फेसबुक अकाउंट में, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जिस सब्जी का सबसे ज्यादा जिक्र है, वो सब्जी कोई और नहीं बल्कि पत्ता गोभी है। आजकल दुकानदार भी पत्ता गोभी को बाकी सब्जियों से अलग करके रख रहे हैं। दुकानदार पत्ता गोभी बेचने से डर रहे हैं तो खरीदार पत्ता गोभी खरीदने से खौफ खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर पत्ता गोभी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? दरअसल पत्ता गोभी को हो गया है कोरोना वायरस। जी नहीं, यह हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें बता रही हैं। कोरोना वायरस के चलते सोशल मीडिया पर आजकल यह चर्चा आम है कि अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो पत्ता गोभी का सेवन ना करें। साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पत्ता गोभी पर सबसे ज्यादा देर तक कोरोना वायरस के टिकने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है कि पत्ता गोभी अगर हो सके तो मत खाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्ता गोभी की परत में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा समय तक ठहर सकता है। जहाँ बाकी जगह ये वायरस सिर्फ 9 से 12 घंटे ही ठहरता है, वहीं पर पत्ता गोभी की परतों पर यह कोरोना वायरस लगभग 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक टिक सकता है। सोशल मीडिया पर इन पोस्ट के जरिए लोग पत्ता गोभी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन चलिए हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच बता देते हैं। दरअसल कोरोना वायरस और पत्ता गोभी को लेकर जो खबरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। कोरोना वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पत्ता गोभी को लेकर ऐसा कोई दावा नहीं किया और न ही अभी तक किसी रिसर्च या रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना वायरस पत्ता गोभी की परतों में सबसे देर तक ठहरता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पत्ता गोभी में टैमबॉम का लार्वा पाया जाता है। इसे ठीक से पकाकर न खाने से ये लार्वा शरीर में पहुंच जाता है और शरीर को बीमार कर देता है। लेकिन अभी तक न तो WHO की रिपोर्ट में और न ही किसी वैज्ञानिक रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा समय तक पत्ता गोभी की परतों पर ठहरता है। यानी कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस और पत्ता गोभी को लेकर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं, न कि सच। ऐसे में न्यूज नशा ये आपसे अपील करता है कि आप ऐसी अफवाहों पर यकीन न करके कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर ही ध्यान दें और साथ ही इनका पालन भी करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।